तो फेल गेम फैमिली ग्रैनी रिमेक के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो इस गेम के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था कि ये ग्रैनी का रिमेक हुआ है और वो पीसी पर आ चुका है, और मैं सच में प्लान बना रहा था इसको खेलने का, लेकिन इतने सारे नए गेम्स आ रहे थे कि मौका ही नहीं मिला। पर कोई बात नहीं, आज मैं इस गेम को खेलूंगा और देखूंगा कि इसकी इतनी तारीफ क्यों हो रही है। तो सबसे पहले ग्रैनी के लिए ये डिफिकल्टी सेट की जाए, तो मैं सोच रहा हूँ ना स्टार्ट ही करते हम लोग एक्सट्रीम मोड से, मतलब हालत खराब होगी मैं जान रहा हूँ, लेकिन एक्सट्रीम मोड में करेंगे ना तो पता चलेगी कि ग्रैनी एक्सट्रीम मोड में कितनी खतरनाक है। अच्छा, गेम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इस गेम के बारे में मैंने ऐसा सुना है, देखा तो नहीं है लेकिन सुना है, कि इसकी जो जंप स्केयर है ना वो ग्रैनी के ओरिजिनल वाले से ज्यादा खतरनाक है। भाई साहब ये क्या है, मैं ग्रैनी के घर के अंदर क्यों नहीं हूँ और मेरे हाथ में ये कैम कॉर्डर क्यों है? ओके, ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई भूतावा मूवी देख रहा हूँ पता है। अच्छा, जो दूर में घर दिख रहा है ना मुझे लगता है कि वही ग्रैनी का है। चलिए बस आगे बढ़ते रहते, और क्या कर सकते हैं अभी। ऐसे पोल वोल के ऊपर या पेड़ के ऊपर तो ग्रैनी चढ़ के नहीं बैठी हुई है, कुछ भी हो सकता है भाई, पीछे भी एक बार घूम के देख लेना चाहिए। ऐसे जनरली तो ऐसे घूम के नहीं देखना चाहिए रात के टाइम ऐसे सुनसान इलाके में, लेकिन ऐसे सुनसान इलाके में मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब मेरा जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये पक्का ग्रैनी करवा रही है पेड़ों के साथ ऐसा। जूम करना है कैमरा, ओके, ग्रैनी के घर के पास। क्या हुआ इससे, मैं हिलने क्यों लगा अचानक से, ये घर जंगल के बीचों बीच क्यों है ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ओ भाई भाई भाई, ये ऐसी ग्रैनी क्यों दिख रही थी, और ग्रैनी के पास ये ग्लिच करने की पावर आ गई है क्या, ये क्या था और इतनी अजीब क्यों दिख रही थी ग्रैनी। मैं समझ रहा हूँ कि अपग्रेड कर दिया ग्राफिक्स को, और कुछ ज्यादा ही ग्राफिक्स तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ग्रैनी को देखकर मुझे उतना डर अभी नहीं लगा है, अब पता नहीं क्या होगा मेरा। तो बुड्ढी दादी लेटर भी छोड़ के गई है कि तुम जाग गए हो और क्या ही तुम्हें सपने आए होंगे मेरे बिस्तर पे, अच्छा है, और मैं तुम्हें एक मिनट के लिए छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि घर पे बहुत काम है। बताओ, ग्रैनी भी झाड़ू पोछा करती है, मुझे पता नहीं था। और ये एक रास की बात बता रही है कि मैंने तुम्हारे ऐसे मेहमान का हमेशा से इंतजार किया है। क्यों भाई, और इनकी भूख सुबह सुबह जाग उठती है, अच्छा, और ऑब्वियसली हाँ मैं समझ गया, मुझे लग ही रहा था, तो ज्यादा नहीं बस मुझे मार कर मेरा सूप पीने का इरादा है ग्रैनी का। ये लास्ट में कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि मेरा प्यार तुम्हारे साथ हमेशा रहे मेरे प्यारे, और पंखा भी छोड़ के गई है, ग्रैनी का कुछ भी बोलो ख्याल बहुत करती है। तो अब ऐसा है कि एक्सट्रीम मोड है तो यहां से निकलने का, भाई ग्राफिक्स कितने अच्छे बनाए देख रहे हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रैनी में इतना अच्छा ग्राफिक्स भी बन सकता है, बहुत सही। तो भले ही ये वाला ग्रैनी आज तक नहीं खेला है लेकिन है तो वही ना, तो वास फेंक के ग्रैनी को थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं और देखते हैं उसको कितना देर लगेगा आने में। यहाँ पे खड़े होकर वेट करना है। अरे मुझे भाई किडनी में हार्ट अटैक वाला गेम है भाई ये, एक मिनट, ये इससे अच्छी तो पुरानी वाली ग्रैनी थी, ये क्या करने लगी थी मेरे साथ, और ये मतलब एक्सट्रीम मोड में फ्लैश बन जाती है, ये किसी ने मुझे बताया नहीं। ठीक है, एक्सट्रीम मोड में तेज हो जाती है, लेकिन ये अचानक से ऊपर कैसे आ गई, इसको कैसे पता था कि मैं ऊपर हूँ, ये सब क्या गिरा हुआ है, पत्थर है, अच्छा इसका कुछ ना कुछ काम होगा। यहाँ पर एक वुडन प्लैंक है, ये टूटता है क्योंकि ग्रैनी ने दरवाजा ही हटा दिया है, यहाँ से सीमेंट लगा दिया वहां पर। वो तो भाई शुक्र मनाओ कि सिर्फ ग्रैनी इस घर में, ग्रैंडपा और वो, अरे ये क्या है, रिमोट दरवाजे में ऐसा, ओह पेंटिंग भी अच्छी अच्छी रखी हुई है ग्रैनी ने, नीचे चल के देखे क्या, एक बार में तो ऑब्वियसली नहीं खुलने वाला है, 50 तरह के लॉक लगा के रखे हैं। इतनी आसानी से चले आते फिर क्या ही बात थी, क्लिक करके देखूं क्या, नो सिग्नल, इसमें सिग्नल ही नहीं है, कॉइन है क्या ये, और ये गिर गया, ग्रैनी आती ही होगी, अरे पूछो बगल से मैं निकला, जल्दी भाग भाई जल्दी भाग यार, कितना स्लो भाग रहा है, बेड मिल गया, अरे मिल तो गया था मुझे, ये हर बार अलग अलग टाइप से मार रही है मुझे। तो ये तीसरा दिन है और घर के बारे में, अरे यहाँ कहाँ लॉक कर दिया, चीटिंग कर रही है यार, ये पत्थर है यहाँ पर, ओके ये आधा टूटा हुआ पाइप है और ये किसी तरह का बटन है, पत्थर पाइप बटन, तो यहाँ से निकले कैसे, मेरा टॉर्च भी छीन लिया, बहुत बढ़िया, क्या कर सकते इस पत्थर से फेंक के मारे क्या बटन पे, नहीं पाइप को तोड़ सकते हैं, ट्राई करके देखते हैं। तो मुझे लग तो रहा है कि इस पाइप से या तो दरवाजा टूटेगा, ये नहीं टूटा तो फिर बटन पे क्लिक कर सकते हैं शायद, हो जाना भाई, ओहो चलो एटलीस्ट यहां से तो निकला, अपना टॉर्च उठाता हूं,
और फिर देखते हैं घर में और क्या क्या है। और फेल आर्मी प्लीज आप लोग कमेंट करके बताना मत कि कैसे क्या करना है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा या खुद से खेल के पता कर ही लिया होगा क्या करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस एकदम साफ रहे, मैं खुद से पता करूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी कॉमेंट मत बताना कि कैसे क्या करना है। तो दो काम की चीज मिली थी रिमोट का, तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, पर क्योंकि मेरे पास अभी कॉइन है तो देखते हैं इस कॉइन को कहां डाल सकते हैं। कॉइन फेंक के ग्रैनी को मारा नहीं जा सकता, क्यों नहीं। अच्छा कुएं के लिए हैंडल चाहिए, ऐसे कुएं में कॉइन फेंक कर मैं विश कर सकता हूँ कि ग्रैनी इस घर से गायब हो जाए, या मैं अगर विश ही करना हो तो मैं ये विश नहीं करूंगा, मैं अपने घर पे चला जाऊं। ये क्या है, ओ हैंडल मिल गया, हैंडल मिल गया कुएं का, बढ़िया। अरे उठाना, एक्सट्रीम मोड की दिक्कत भी ये है ना कि इसमें पूरा स्टेल्थ मोड करके खेलना होगा क्योंकि ग्रैनी बन चुकी है फ्लैश, मुझसे बहुत ज्यादा तेज चलती है। अच्छा मुझे लग रहा था कि इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो अपने आप हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, अरे जल्दी कर ले भाई। ऊपर आया बाल्टी, अभी तक तो आ ही गई होगी, हाँ कुछ तो आया, बाल्टी के साथ कुछ तो आया है। बैटरी, बैटरी, ओ पक्का ये कार की बैटरी होगी शायद, तो कार भी आसपास हो सकती है, सामने एक शेड टाइप का दिख रहा है, शायद ये गैरेज हो। तो एक काम करते हैं, ये बैटरी को यहीं पे छोड़ देते हैं, जब कार मिलेगी तब देखा जाएगा। याद रखूंगा मैं कि बैटरी को यहाँ छोड़ दिया है। कॉइन का, अरे भाई ये कहां से आ जाती है, भाई बैंड का तो पता नहीं लेकिन मेरे कान जरूर फाड़ दिए इसने, ग्रैनी ने। और ओहो चौथा दिन है ना, इसलिए अब और मैं स्लो चलूंगा। ग्रैनी बन गई है फ्लैश और मैं रिवर्स फ्लैश बन गया हूँ, मैं स्लो चलने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। आई थिंक मैं दौड़ भी नहीं सकता हूँ अब। अच्छा ये लिख के भी आ गया कि मेरे पैर इतने दर्द हो रहे मैं दौड़ भी नहीं सकता, बहुत अच्छा मेरे भाई। एक्सट्रीम मोड में मैं बता रहा हूँ फुल चालू हो जाती है ग्रैनी, और अगर हार्ड भी लगाता तो आई थिंक मैं हैंडल कर लेता, लेकिन अभी भी ठीक है, अभी भी उम्मीद है कि घर से निकल के भागूंगा मैं। तो ग्रैनी नीचे ट्रैप व्रैप सेट करने गई होगी, तो यहां से निकलते हैं और वो जो कॉइन वहीं पर गिरा होना चाहिए ना, या ग्रैनी ने छुपा दिया होगा। तो कॉइन को उठाते हैं और देखते हैं कि उसका कर क्या सकते हैं, कोई चाबी वाबी मिल जाए तो अच्छा है। वेंडिंग मशीन, इसके अंदर कॉइन डाल सकते हैं। ये क्या था, कोका कोला पी लिया, इसे हुआ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, मेरी हेल्थ बढ़ी, नहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी हेल्थ बढ़ी क्या मेरी, नहीं भाई ये लाल तो अभी भी हुआ ही हुआ है स्क्रीन में। तो ये मैं कोला पी के क्या मजे ले रहा हूँ यहाँ पर, बताओ। ग्रैनी मेरा सूप पीने वाली है, मैं ग्रैनी की कोला चोरी करके पी रहा हूँ, ये दिन आ गए मेरे। पीस ऑफ पिक्चर, ये ऐसा कोई पेंटिंग, तो इस घर में बहुत सारी है। ओहो यही घूम रही है, एटलीस्ट ये पता रहता है ना कि ये कहाँ है, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। तेल का कंटेनर, पक्का मैं बता रहा हूँ यहाँ कहीं तो गाड़ी है, बस वो कार को खोज लेना है। और यहाँ पर एक सेफ भी है पीछे, मैंने देखा इसको, पता नहीं क्यों। ओके ये मिला ना काम का सामान, ये पुराने गेम टाइप का है, यानी कि तरबूज को रखना है उसमें गिलिटीन, जो कि मेरे लिए बंदोबस्त करके रखा है ग्रैनी ने, पर फिलहाल के लिए तरबूज काट के इसके अंदर से चाबी निकाल लेते हैं। अच्छा एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में, अगर मैं इस सुरंग के नीचे चला जाऊंगा तो ग्रैनी आई थिंक इस सुरंग के नीचे तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नन थी, नन याद है ना, नन गेम, उसमें वो आ जाती थी दीवार विवार के नीचे, लेकिन ग्रैनी ऐसा नहीं करती थी, तो मुझे नहीं लगता कि इस सुरंग में आने वाली है वो। तो इनके सब मौका रहा तो इस सुरंग के नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। मेरा हार्ट बीट क्यों तेज हो रहा है, कहां से आई ग्रैनी, अरे पक्का खत्म होते होते तक भाई किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन अभी भी एक दिन बचा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा स्लो हो गया हूं मानता हूं, पर एक काम का भी चीज मिला भाई, तरबूज, इसको तोड़ेंगे जल्दी से। हाँ दौड़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन वो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मैं दौड़ सकता था, तो कॉइन फिर से डाल सकता हूँ, नहीं एक और कॉइन ढूंढना होगा ऐसा। तो एक बहुत ही ज्यादा जंग लगी हुई चाबी, जंग लगा हुआ या खून लगा हुआ पता नहीं, अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। जो भी है, सेफ हमने देखा था और आई होप कि उसी सेफ की ये चाबी हो, क्योंकि अगर नहीं होगी तो मुझे पता नहीं कि और कहाँ ढूंढ पाऊंगा मैं।
लेकिन यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा जगह है छुपने का, अगर ग्रैनी यहाँ पर नहीं आ पाएगी तो। सेफ खोला जाए, ग्रैनी दिख तो नहीं, अचानक से आ जाती है, पता नहीं कहीं नजर नहीं आती, अचानक से उड़ के आती है फ्लैश कहीं की। तो सेफ के अंदर से ये प्लायर्स मिले जिसे मैं तार को कट कर सकता हूँ आई थिंक। दरवाजे जो मेन डोर है, अच्छा मेन डोर पे कोई तार लगा हुआ था, ये ग्रैनी जो ट्रैप सेट करती है उसको काटने के लिए, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस प्लायर्स को फेंकने से कोई आवाज नहीं हुई यहाँ पर, मुझे लगता है कि सामान गिराने से आवाज नहीं होती, शायद अगर होती तो ग्रैनी अभी तक नीचे आ जाती, नहीं उड़ के तो आती है, नहीं आ रही है तो आई थिंक नहीं आनी चाहिए। दरवाजे के तार को काट के देखें, या कोई तार था वहां पर, कुछ था इस टाइप का, इसमें तो डेफिनेटली खून नहीं जंग लगा हुआ है। ग्रैनी ने टैप लगा, क्या है ये, क्या है, इतना जल्दी कैसे आ जाती है हर जगह। तो ग्रैनी मुझे मारने जा रही है और मेरा सूप पिएगी। मनुज मारो, आप खत्म करो फिर, क्या चीज का वेट कर रही हो। ओके मर गया मैं मर चुका हूं मैं, ग्रैनी मेरा सूप एंजॉय करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, ग्रैनी की हम लोग बैंड बजाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। और जब भी हम लोग ग्रैनी रीमेक खेलेंगे हमेशा एक्सट्रीम मोडी में खेलेंगे, नॉर्मल हार्ड में मजा नहीं आएगा। ग्रैनी को इतना फ्लैश मोड में एक्टिवेट होते हुए देख करना एक अलग ही मजा आया, तो मैं एक्सट्रीम में ही खेलूंगा। और मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि देखो नेक्स्ट टाइम गाड़ी से या फिर एटलीस्ट डोर से ही भाग जाएंगे कम से कम। तो फिलहाल भी जाने से पहले भाई वीडियो को लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नए गेम के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, ख्याल रखो सब।